तो अब ऐसा करते हैं, हमारे साथ अखिल राठी साहब जुड़ चुके हैं, मारवाड़ी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग के। आप अपनी राय देंगे अदानी वेलमार पर। नमस्कार अखिल जी, बताइए पैसा हमारे निवेशक इसमें डालें या नहीं? गुड मॉर्निंग शेयर जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आईपीओ आ रहा है, सो अडानी विल्मर में इन्वेस्टर्स को पैसा डालना चाहिए। अगर मैं कंपनी स्पेसिफिक बात करूंगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अडानी विल्मर का। अगर शुरुआत करेंगे 1999 में, अगर ये कंपनी शुरुआत हुई थी तो एडिबल ऑयल में पूरा इसका फोकस था, बट 2013 के बाद कंपनी अपना फूड FMCG कंपनीज में, फूड के प्रोडक्ट्स में कंपनी पूरा फोकस कर रही है। तो कंपनी का पूरा शिफ्ट हो रहा है फूड प्रोडक्ट्स में भी। अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूंगा लास्ट दो साल में, अगर तीन साल में हम लोग देखेंगे FY19 से FY21 के बीच में रेवेन्यू करीबन 14% से ग्रो हुआ है, EBITDA 7% से ग्रो हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 22% के आसपास है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंपनी में। अगर जैसे आशीष जी ने बताया, मार्केट शेयर करीबन 17 से 18% है एडिबल ऑयल में, जो उनका फॉर्च्यून का एक मेजर ब्रांड है, इसमें 50% मार्केट शेयर रीजनल ब्रांड्स रखते हैं। तो जिस हिसाब से हम लोगों ने कोविड के टाइम पे भी देखा, लोग थोड़ा पैक प्रोडक्ट्स की तरफ, ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी को एक स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। और अगर हम लोग बात करेंगे जो कंपनी का रॉ मटेरियल है, वो मेजर इंपोर्ट होता है, तो वहां पे कंपनी को थोड़ा रिस्क रहता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, बट वहां पे उनको विल्मर से अच्छा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज 30% से ज्यादा वो लोग अपना प्रोडक्ट विल्मर के थ्रू ही इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो वहां पे उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर कंपनी इज वेल पोजिशन टू फॉर एक्सपेक्टेड ग्रोथ, कंपनी का जैसे आशीष जी ने बताया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, एंड एक ब्रांड नेम भी बहुत स्ट्रांग है फॉर्च्यून का। आज हम लोग देखेंगे तो घर घर में फॉर्च्यून के ऑयल का है। और अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन में देखेंगे। अखिल जी, बहुत ही संक्षेप में बताइए, ये जो 3600 करोड़ का आईपीओ है, आप क्या उम्मीद लगाते हैं, कितने गुना ओवर सब्सक्राइब होगा? देखिए, सब्सक्रिप्शन वाइज भी अच्छा सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है, बट जिस हिसाब से अभी इक्विटी मार्केट्स की थोड़ी हालत है ऑन बैक ऑफ ग्लोबल फ्रंट, तो थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा कम रहेगा, बट मेरा अनुमान है करीबन 3 से 4 गुना तो ये बढ़ना ही चाहिए ऑन द रिटेल साइड। और अगर वैल्यूएशन बात करेंगे, करीबन 38 times के आसपास ये लिस्ट होगा बेस्ड ऑन TTM EPS ऑफ अराउंड 6 times। सो अगर देखेंगे तो एक अच्छा लिस्टिंग गेन भी एक्सपेक्टेड है, बट थोड़ा मार्केट खराब है उसकी वजह से थोड़ा डाउन हो सकता है।